जगदलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने लाखों रुपए के अंग्रेजी शराब का अवैध रूप से परिवहन में लिप्त दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग वाहन में संदिग्ध सामान लेकर समुन चौक की तरफ जा रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई एमएन साहू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने मौके पर एक बिना नंबर की स्कूटी वाहन को रोककर उसमें सवार दो व्यक्तियों से पूछताछ की। तलाशी के दौरान पुलिस ने व्यक्तियों के पास रखे बोरे से 100 नग और एक कार्टून से 50 नग अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि एनएमडीसी चौक निवासी टुनटुन गुप्ता मध्य प्रदेश से शराब लाकर उन्हें बेचता है, जिसके बाद आरोपियों ने टिकरा धनोरा के एक घर से 27 कार्टून से 1350 नग अवैध अंग्रेजी शराब के क्वार्टर बरामद करवाए। इसकी कीमत 1,80,000 रुपए आंकी गई है। सर, अंग्रेजी शराब में क्या कार्रवाई की बताएं? मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कुछ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर जो है अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे हैं। और सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम रवाना की गई थी। उस टीम के द्वारा दलपत सागर क्षेत्र में एमसीपी लगाया गया था और इस एमसीपी के दौरान जो है दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 100 नग गोवा शराब जो है अवैध रूप से पाया गया था। और जिनसे पूछताछ पर इन्होंने अपना नाम मोहन कश्यप और पेल सिंह बघेल निवासी बड़ांजी क्षेत्र का होना बताया, और इनके पास से अतिरिक्त जो है और 28 पेटी शराब होना स्वीकार किया गया, जिनके निशानदेही पर बड़ांजी क्षेत्र में जो है इसके अतिरिक्त 28 पेटी गोवा की जो शराब है वो बरामद किया गया। प्रत्येक पेटी में 50 नग गोवा की शराब जो है पाया गया, और इस प्रकार इस मामले में कुल 1350 नग जो है गोवा की शीशियाँ जो है वो शराब के साथ बरामद किया गया है, जिनकी जो कुल मात्रा है 270 लीटर पाया गया है। और इस मामले पर दोनों आरोपी पेल सिंह बघेल और मोहन कश्यप के विरुद्ध थाना कोतवाली में 34-2 आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनमें जो भी शराब जो है बरामद किया गया है वो मध्य प्रदेश क्षेत्र का जो है शराब होना पाया गया है, और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।